आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 251। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुणक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी, चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है। घाल यानी एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है, उससे बहुत हानि होती है। गलती से भोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे, ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इन्होंने काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक हठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थिर रहें। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के पद से युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। उन द्वेष करने वाले पापाचीर क्रूर कर्मी जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूं। गीता अध्याय 16 श्लोक 19 सूक्ष्म वेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहां समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 20। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 252। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं, वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनारत रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात ब्रह्म साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे अर्थात जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रह गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। निष्कर्ष, चुणक ऋषि, दुर्वासा ऋषि
तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम का जाप किया उसकी भक्ति के फल स्वरूप ये कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज राज मधमानम जन्म तीसरे शुकर स्वानम। फिर कुत्ता गधा बनेंगे, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके शाप से मरे थे उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा। कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है वे आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश, पहला, ब्रह्म साधना अनुत्तम यानी घटिया है। दूसरा, तीन ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना तीन ताप यानी दैविक ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। तीसरा, श्री कृष्ण जी ने श्राप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा, यह समाधान बताया था। उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं वे कितनी कारगर है, अर्थात व्यर्थ है। क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो अन्य तटपुंजियों ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि समाधान से कुछ होने वाला नहीं है। चौथा, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बच गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है, मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 253। प्रसंग आगे चलाते हैं। पहला, तीनों गुणों रज गुण ब्रह्मा जी, सत गुण विष्णु जी तथा तम गुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। दूसरा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तीसरा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से जड़े यानी मूल कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, दार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता है, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि पहला शर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म काल ब्रह्म ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नाशवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सत्यलोक में जाना है। दूसरा अक्षर पुरुष, यह 7 संख ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी नाशवान है, हमने इसके 7 संख ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्यलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम है पुरुष है तू अन्य है परमात्मा इति उदाहृत है, यह लोक त्रियम आविश्य है विभर्ति अव्यय ईश्वर है। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, 1 शर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष है।
इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सचिदानंद घन ब्रह्म है उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है, वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है अर्थात ईष्ट रूप में पूज्य है। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करो, इस प्रकार जीने की राह पर चलकर संसार में सुखी जीवन जिए तथा मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 254। सृष्टि रचना। सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन। प्रभु प्रेमी आत्माएं प्रथम बार निम्न सृष्टि रचना को पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे दंत कथा हो, परंतु सर्व पवित्र सद ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़कर दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यह वास्तविक अमृत ज्ञान कहाँ छुपा था। कृपया धैर्य के साथ पढ़ें तथा इस अमृत ज्ञान को सुरक्षित रखें, आपकी 101 पीढ़ी तक काम आएगा। पवित्र आत्माएं कृपया सत्यनारायण यानी अविनाशी प्रभु यानी सत्पुरुष द्वारा रची सृष्टि रचना का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। पहला, पूर्ण ब्रह्म। इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी यानी प्रभु, अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी यानी प्रभु, अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी यानी प्रभु तथा अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी यानी प्रभु तो एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो वास्तव में अविनाशी प्रभु है, जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने चारों लोकों में रहता है, जिसके अंतर्गत असंख्य ब्रह्मांड आते हैं। दूसरा, पर ब्रह्म। यह केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। यह अक्षर पुरुष भी कहलाता है, परंतु यह तथा इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। तीसरा, ब्रह्म। यह केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी यानी प्रभु है। इसे शर पुरुष ज्योति निरंजन काल आदि उपमा से जाना जाता है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है। उपरोक्त तीनों पुरुषों यानी प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी है। 4, ब्रह्मा। ब्रह्मा इसी ब्रह्म का ज्येष्ठ पुत्र है, विष्णु मध्य वाला पुत्र है तथा शिव अंतिम तीसरा पुत्र है। ये तीनों ब्रह्म के पुत्र केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग यानी गुण के स्वामी यानी प्रभु है तथा नाशवान है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया पढ़ें निम्नलिखित सृष्टि रचना। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर बाणी में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया है, जो निम्नलिखित है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी यानी अनामय लोक था, जिसे अकह लोक भी कहा जाता है। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक यानी पदवी का नाम अनामी पुरुष है। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है। अनामी पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश संख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है तथा पद का उपमात्मक यानी पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं, तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। आप सुन रहे हैं
जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 255। इस पेज पर परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 256। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदंश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदंश शरीर तेजोमय यानी स्वज्योति स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि है। इसी सतपुरुष कबीर देव यानी कबीर प्रभु का मानव सदंश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की, एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, एक मान सरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं, पहला कूर्म, दूसरा ज्ञानी, तीसरा विवेक, चौथा तेज, पांचवा सहज, छठा संतोष, सातवा सुरति, आठवा आनंद, नौवा क्षमा, 10 निष्काम, 11 जलरंगी, 12 अचिंत, 13 प्रेम, 14 दयाल, 15 धैर्य, 16 योग संतायन अर्थात योग जीत। सतपुरुष कबीर देव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मान सरोवर पर गया, वहां आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर ही नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मान सरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मान सरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के दो भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी शर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीर देव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा शर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तड़फ ना बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीर देव ने सर्व रचना स्वयं की, अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदिनी भी कहते हैं।
पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से, अपनी वचन शक्ति से, अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदंश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत शर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत, अक्षर पुरुष, शर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 257। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था। हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे, अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति शर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं कभी न कभी लुप छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर प्रभु ने शर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए, खाली ब्रह्मांड यानी प्लॉट किस काम के। यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीर अग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान है कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दें तब शर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कवि रग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा शर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कविर मितौजा यानी कविर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा।
तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 258। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्वात्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहें आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को शर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है, आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में आ गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 259। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गति विधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो, आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव यानी कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोग जीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम शर पुरुष होगा तथा 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा, वह 125,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 संख कोस यानी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण, अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पहली पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है, जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। दूसरी पर ब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है, यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। तीसरी ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के
एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा जिसमें तीन और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी शर पुरुष स्वयं तीन गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के सहयोग से तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 260। इस पेज पर काल के एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 261। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल तीन लोकों, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि, मध्य, अंत, स्वरूप, स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83, जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा तीन पुत्रों रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है, फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की शैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है, उसी में तीन गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र
इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहां पर यह शर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है। तथा तीसरा, इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव हैं तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100-105 तथा 110 पर अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 114-123 तक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी, फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति यानी एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकालकर खाना होता है, उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्त शिला है जो स्वतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघलाकर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिवजी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 262। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 24-26 विद्वेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी, तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं है, तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं।
इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 263। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है, तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम् ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम् जनी युतान यदा तु नित्या के अन्य सुरः शतमख प्रमुखा च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति पुराणा। हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं, फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं, तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दया द्रमना न सदा अंबिके कथमहम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरि। अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया, कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सत्गुण क्यों बनाया, अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया। श्लोक 12 है। रम्यसे स्वपति पुरुषम सदा तव गति नहि विविदम शिवे। हिंदी। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष। उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव है, ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी काल है, यह उसके साथ भोग विलास करता है। ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं देंगे। ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य किसी को भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतानों से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाए तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती, इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, इसलिए मुझे व्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 264। अबुद्ध यानी बुद्धिहीन, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अनुत्तम अर्थात घटिया, अव्ययम यानी अविनाशी, परम भावम
यानी विशेष भाव को अजानंत है, यानी न जानते हुए माम अव्यक्तम यानी मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, आपन्नम यानी आया, मन्यन्ते यानी मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी प्रकृति यानी अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले, वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए, तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे, वह पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कविर गिर्भी अर्थात कविर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली, माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वहीं प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया, सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत पाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत हैं, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा कि माताजी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध है, परम भावम अजानंत है, मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद: अबुद्ध है यानी बुद्धिहीन लोग, मम यानी मेरे, अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ, अव्ययम यानी अटल, परम यानी परम, भावम यानी भाव को, अजानंत है यानी न जानते हुए, अव्यक्तम यानी अदृश्यमान, माम यानी मुझ काल को, व्यक्तित्म यानी नर रूप आकार में कृष्ण, आपन्नम यानी प्राप्त हुआ, मन्यन्ते यानी मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25।
न अहम प्रकाश है सर्वस्य है, योग माया समावंत है, मूढ़ है अयम न अभी जानाति लोक है, माम अजम अव्ययम। अनुवाद, अहम यानी मैं, योग माया समावंत है यानी योग माया से छिपा हुआ, सर्वस्य यानी सबके, प्रकाश है यानी प्रत्यक्ष, न यानी नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूं, इसलिए अजम यानी जन्म न लेने वाले, अव्ययम यानी अविनाशी अटल भाव को, अयम यानी यह, मूढ़ है यानी अज्ञानी, लोक है यानी जन समुदाय संसार, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, अभी जानाति जानता अर्थात मुझको कृष्ण समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है, यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 265। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया जहां अंधेरा ही अंधेरा है। वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माताजी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी यानी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी, और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 266। तब गायत्री ने कहा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पुहपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं, हां यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करें तो गवाही दे सकती हूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि कोई और चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा
माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देंगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहां महाराज गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धुरों धूर, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है? ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 267, ब्रह्मा को शाप। तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृत लोक में गाय बनेगी। पुह पवती को शाप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं, यह गंदगी कुरड़ियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा यानी सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हां, यहां एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा गायत्री व पुहपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन यानी ब्रह्मकाल ने कहा कि हे भवानी, प्रकृति यानी अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तेरे भी पांच पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल, मैं तेरे वश में पड़ी हूं,
जो चाहे सो कर ले। सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेख समाप्त। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 268। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता यानी रज गुण ब्रह्मा, सत गुण विष्णु तथा तम गुण शिव के सांकेतिक नाम है। विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी यानी काल ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माताजी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेष नाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली दह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे, ताकर ओएल यानी बदला मोही सो पावे, जो जीव देई पीर पुनी काहूं, हम पुनी ओएल दिवावे ताहूं। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता यानी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है, अब मैं अपनी शक्ति से पिता से मिलाती हूं तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूं। कबीर, देख पुत्र तो ही पिता भिटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं, मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो, स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहे अनेरा, निरंकार मन ही को कहिए, मन की यास निष्दिन रहिए, देख हूं पलटी शून्य मह ज्योति, जहां पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही जक्का करता है, यही ज्योति निरंजन है, ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना, यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी, तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है, काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही हैं कि तेरी पूजा जग में होगी, मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यह स्थिति को अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश, तू भी कर ले अपने पिता की खोज, तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है, अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी,
मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती, हाँ युक्ति बता सकती हूं जिससे तेरी आयु सबसे लंबी रहेगी, विधि योग समाधि है। इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए।